आज हम बात करेंगे हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के पोषण तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को जरूरत रहती है, उनके सोर्सेस क्या हैं, कहाँ से हमको मिलते हैं, उनमें क्या बिगड़ने से हमको क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर देवाशीष उजाला सिग्नस हॉस्पिटल SH हॉस्पिटल सितारगंज से MD मेडिसिन हूँ। तो हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए, उसके संतुलन बनाए रखने के लिए हमको दो टाइप के पोषण तत्व जरूरत पड़ते हैं। एक होते हैं जो बड़े मात्रा में जरूरत पड़ती है, जिसको हम माइक्रो न्यूट्रन बोलते हैं। कुछ होते हैं जो छोटी मात्रा में चाहिए, जिनको हम माइक्रो न्यूट्रन बोलते हैं। तो जो बड़ी मात्रा में चाहिए होती है, उनको हमने चार भाग में विभाजित किया है। सबसे बड़ा जो सबसे जरूरी सूत्र है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट, के जिस जो हमको मिलती है चावल गेहूं कुछ कुछ सब्जियों से, जैसे आलू हो गया। तो शुगर शुगर के जो सारे सूत्र हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं अपने मेडिकल भाषा में। दूसरी सूत्र होती है फैट और चर्बी। उसके अंदर अपनी चर्बी की खासियत ये है कि उसके अंदर एनर्जी जो कैलोरी की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट जो कि 1 ग्राम में सिर्फ 4 कैलोरी होती है, फैट में वो 9 कैलोरी होती है। तीसरी जो उसके चर्बियों के सूत्र तो हम सबको पता ही हैं, घी हो गया, तेल हो गया, और कुछ जैसे दूध में भी हमको काफ़ी मात्रा में चर्बी मिलती है, उस चीज़ हो गया, पनीर, इन सब से मिलती है। तीसरी है प्रोटीन, जो कि हमारे पसलियों को बना के रखती है, हमारे शरीर की दिन भर दिन जो हम काम करते हैं उसके लिए जो हमारी पसलियाँ स्ट्रांग रहनी चाहिए, सख्त रहने रखने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। उसके सबसे बड़े सूत्र होते हैं दाल, जो वेजिटेरियन लोगों के लिए, और नॉन वेजिटेरियन में सबसे अच्छा सूत्र रहता है। सारे नॉन वेजिटेरियन खानों में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मिलती है, मछली हो गया, मांस हो गया, सबसे हमको मिलती है। तो हमारे शरीर की जो दिन की जो ज़रूरत होती है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है, जिनको हमने 3 भाग में विभाजित किया है। जो लोग भारी काम करते हैं, जैसे मजदूरी का काम हो गया या भागने दौड़ने का काम होता है, उनके लिए शरीर में ज़्यादा एनर्जी चाहिए। उनको 1,500 से लेकर 2,000, कुछ लोगों में 3,000 4,000 तक कैलोरी की ज़रूरत पड़ सकती है, जो खेतों में काम करते हैं उन लोगों के लिए। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, नॉर्मल जो आजकल की जो सबसे कॉमन लाइफस्टाइल है जिसमें बैठे हुए काम होते हैं, उनके लिए कैलोरी की मात्रा कम होती है, जो कि 1,000 से लेकर 1,200 कैलोरी के अंदर, 1,500 के अंदर बेसिक होता है, और अगर कोई थोड़ा एक्टिव है तो 2,000 तक जाती है कैलोरी की रिक्वायरमेंट हमारे। इसको जानने के बाद हम थोड़े माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं उसको विटामिन और मिनरल्स उन भागों में विभाजित हैं। विटामिन हमारे पास बहुत सारे टाइप की होती हैं, विटामिन A, B, C, D, E, K। तो हर हर एक विटामिन के अलग अलग काम होते हैं, उसकी गहराई में तो मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके सबसे बड़े जो सूत्र होते हैं वो होते हैं फल और सब्जियां। मिनरल्स में आते हैं हमारे आयरन होते हैं, कैल्शियम होता है, ये सबको हम मिनरल्स के अंदर काउंट करते हैं। हमने आयरन का सोर्स मांस मछली होता है, कैल्शियम बहुत सारी चीज़ों से मिलती है, दूध से मिलती है, फल सब्जियों से भी मिलती है। अब बात आती है कि इनको कैसे बैलेंस इनका मेंटेन किया जाए, इनका संतुलन बना के रखा जाए ताकि हमको उनसे बीमारी ना हो। तो सबके लिए कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा रहती है। हमारे दिन की जो एनर्जी होती है उसकी 60% एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट, जो जो कि मैंने बताया गेहूं और चावल, इनसे मिलती है, जिसलिए उसको सबसे ज़्यादा मात्रा में लोग खाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होने लगती है जब हम उसकी मात्रा अपने ज़रूरत से ज़्यादा लेना शुरू कर दें, तो वो दूसरे फॉर्म उसमें बदल जाती है। जैसे कि अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर में लेंगे तो वो शरीर में चर्बी बन के जम जाती है। और सबसे बड़ी गलती जो आजकल हो रही है वो हो रही है, चर्बी की मात्रा हमारे खाने में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे हम जो स्ट्रीट फूड वगैरह खाते हैं, जिसमें तेल वगैरह ज़्यादा पड़ी हुई रहती है, भेलपुरी हो गया, चाट हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, चिप्स हो गए, इन सब में तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और उसके अंदर खराब तेल भी होते हैं। तो वो जब शरीर में जाती है वो एक तो वजन बढ़ाती हैं, उसके बाद अलावा वो जाके अपने नसों में जम जाती हैं, जिससे हार्ट की नसें ब्लॉक होना, दिमाग की नसें ब्लॉक होना, ये सब की खतरा सबका खतरा रहता है। और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने से भी वही प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और वो जाके चर्बी बन के वही काम करती है जो चर्बी खुद करती है डायरेक्टली खाने से। तो तीसरे नंबर पे आता है प्रोटीन। प्रोटीन शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रोटीन हमारे शरीर में जाके ज़्यादा कोई असुविधा बनाता नहीं है, लेकिन हमारे इंडियन सिस्टम में, अपनी जो अपनी सोसाइटी है, समाज है, उसमें प्रोटीन का मात्रा हमारे खाने में बहुत कम रहता है। लोग दाल वगैरह कम खाते हैं,
और बहुत हमारे वेजिटेरियन लोग होते हैं जो कि मांस मछली खाते नहीं है, तो प्रोटीन की मात्रा कम होने से एक चर्बी और कार्बोहाइड्रेट का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और उससे बहुत सारी बीमारियां, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, इन सब का ये बढ़ जाता है। और एक सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ पे इस बीमारी का ज़्यादा होने का कि हमारे लाइफस्टाइल, हमारे देश में लोग मानसिक तौर पे ज़्यादा मेहनत करते हैं, शारीरिक तौर पे कोई मेहनत का काम अभी काफ़ी कम हो गया है और उसकी वजह से हमारे जो प्रोटीन हम अगर ज़्यादा ले भी लेते हैं, कोई प्रोटीन पाउडर खाता है, कोई बहुत ज़्यादा अंडे वगैरह खाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप सही से उसको शरीर में उसका डिमांड क्रिएट नहीं करोगे कि हमको प्रोटीन शरीर को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो प्रोटीन हमारे शरीर में जमा कर रहता नहीं है, वो पेशाब के रास्ते निकल जाती है, तो हमको कुछ फ़ायदा उससे होता नहीं है ज़्यादा प्रोटीन खाने से भी। तो अगर आप लोग हर दिन 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का टाइम निकाल के अपने शरीर के लिए शारीरिक तौर पर ज़्यादा एक्टिव रहें, जैसे जॉगिंग करना या फास्ट तेज चलना या फिर जिम करना, तो इस साइकिलिंग करना, स्किपिंग करना, कोई भी तरीके से हो, चलना फिरना करने से शरीर की बहुत सारी बीमारियां कम हो जाती है, ख़त्म भी हो जाती है। उसके बाद आता है इसको सही करने का क्या तरीका है हमारे लाइफस्टाइल को, तो सबसे ज़रूरी ये है कि फल वगैरह खाना। हाँ, आखिरी बात यह है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि खाने पीने से हमारी इम्यूनिटी, बीमारी लड़ने की शक्ति में क्या इसका असर रहता है। बीमारी लड़ने में हमारे सबसे ज़्यादा काम करते हैं विटामिन का रोल रहता है। विटामिन्स लोग आजकल टैबलेट वगैरह खा के सोचते हैं कि हमको विटामिन दे दो, कमजोरी ठीक हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। विटामिन टैबलेट्स लेने से बेहतर है आप अपने घर में संतुलन वाले संतुलित आहार ग्रहण करें, फल हर दिन थोड़े बहुत खाएं, सब्जियां अच्छे से खाएं। बच्चों में आजकल ये सब का थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आने लगी है, इसलिए बार बार सर्दी लगना, खांसी होना, थोड़ी सी मौसम बदलने पे जुकाम हो जाना, बुखार आ जाना, ये सब लक्षण है विटामिन की कमी का। सबसे ज़रूरी विटामिन जो हमारी बीमारी प्रतिरोधक होती है उसमें रहते हैं विटामिन सी और विटामिन ई, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। वो हमारे शरीर के जो फाइटर सेल्स होते हैं उनको बना के रखते हैं, उनको तंदुरुस्त रखते हैं। विटामिन डी जो होता है उसका काम रहता है हड्डियों को सख्त रखना, उसकी भी और भी बहुत सारे उसके काम हैं, इम्यूनिटी में भी उसका रोल है। तो धूप सेकने से और दूध वगैरह पीने से, नॉनवेज मांस मछली खाने से हमको विटामिन डी काफ़ी मात्रा में मिल जाती है। इसके लिए आपको टैबलेट वगैरह तब दिया जाता है जब उसको लेने के बावजूद भी अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी होती है, तो हम लोग विटामिन डी की टैबलेट देते हैं। तो ये पूरी एक संक्षेप में मैं आपको सारी विटामिन और सबके काम आपको मैंने समझा दिया। कोई आपको दिक्कत हो इन सब मामलों में तो आप हमारे हॉस्पिटल में आके मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो विटामिन की कमी होने के लक्षण होते हैं जैसे शरीर में दर्द होना, हड्डियों में पसलियों में दर्द होना, बार बार बीमारी पकड़ना, चमड़ी में इन्फेक्शन होना, पेशाब में इन्फेक्शन होना। तो अगर आपको ऐसे के लक्षण लग रहे हैं, आपको बार बार हो रहे हैं, तो आप अपने कोई नज़दीकी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर से मिल सकते हैं और अपनी कुछ जाँचें करवा सकते हैं। थायराइड की बीमारी, थायराइड में जो आयोडीन जरूरत पड़ती है वो भी एक मिनरल की कैटेगरी में आती है, उसकी कमी से भी थायराइड की बीमारी आ सकती है, उससे भी काफ़ी इसे कमजोरी, लक्षण, नींद ज़्यादा लगना या नींद ना होना, इन सब लक्षण आ सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई लक्षण है तो आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके अपने फिजिशियन से परामर्श कर सकते हैं।